all my students, relatives, family members, friends, old friends, जो मुझसे बिछड़ चुके आज मेरे friends नहीं हैं. मुझे पता है आप सभी मेरे videos देखते हो, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस video में, मेरे channel में. ठीक, आप सबके support के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, right? तो मैं lab से निकला थोड़ी देर पहले, chemistry lab चल रही थी हमारी. तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने अपना phone check करा, तो मैंने देखा कि 495 सब्सक्राइबर्स. वैसे तो मैं सब्सक्राइबर वगैरह इतना देखता नहीं हूँ कभी भी, बहुत कम ही सोचता हूँ इन सब के बारे में. ठीक है, तो मैंने फिर भी देखा तो मुझे दिखा कि 495 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं, 500 को सिर्फ 5 रह गए हैं. आई होप ये वीडियो देखते देखते आप लोग और 5-6 जन सब्सक्राइब कर ही दोगे जल्दी से जल्दी. ठीक है, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा लग रहा है. तो मुझे लगा कि एक वीडियो तो बनाना चाहिए आप सबको थैंक्स करने के लिए. तो अब उस वीडियो का टॉपिक मैं सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिस दिन मैंने फर्स्ट वीडियो अपना अपलोड किया था, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि क्या आपको भी एक मोटिवेशन आए कि आप अपना यूट्यूब पे काम चालू करो, आपका कोई भी पैशन हो. ठीक है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे कुछ दोस्त मेरे से पूछते हैं कि यार राठी मैं भी तेरे तरह कुछ करना चाहता हूँ यार, क्या करूँ कैसे करूँ. ठीक है, तो सब में टैलेंट होता है, आप में भी टैलेंट है, तो मुझ में भी टैलेंट था इस चीज़ का, टीचिंग का, मोटिवेशनल स्पीच देने का, इंस्पिरेशनल स्पीच देने का. तो मैंने फिर ये काम चालू करा था यूट्यूब का. कैसे करा, क्या किया मैंने, कैसे फर्स्ट वीडियो अपलोड करा, ठीक है, आपको एक मोटिवेशन मिले इस वीडियो के थ्रू, मैं ये चाहता हूँ. और आप भी अपना काम जल्द से जल्द शुरू करो. ठीक है, तो शुरू करते हैं. क्या हुआ था, आज से 2 साल पहले जब मैं क्लास 12th में था, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी यूट्यूब वगैरह की, इंटरनेट वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं थी. ठीक है, तो मुझे टीचिंग का पैशन था, मैं पढ़ाता था उस टाइम पर. तो फिर ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था उस टाइम पर, था आज नहीं है, आज मैं उससे बात भी नहीं कर रहा. तो उस दोस्त के साथ हम बैठे थे रात भर, वो मेरे घर में रुका हुआ था. तो रात को हमने यूट्यूब के बारे में सर्च करा सारी रात, यूट्यूब में कैसे अकाउंट बनता है, जीमेल से कैसे लिंक्ड रहता है, मोनेटाइज कैसे करते हैं, एडसेंस अकाउंट क्या होता है, हर चीज़ हमने समझा उस रात भर बैठ के. अपलोड कैसे करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं. ठीक है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, उसे काफ़ी नॉलेज थी. तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें 60% क्रेडिट उस दोस्त का है. ठीक है, तो वो मेरे राठी क्लासेस के टीम में था उस टाइम, मैं कोचिंग चलाता था राठी क्लासेस नाम से. ठीक है, तो वो एक राठी क्लासेस का मेंबर टाइप का था, वो मेरा बहुत खास मेंबर था. तो रात भर हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी, क्योंकि जब तक आपको यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, तो आप अपना काम शुरू नहीं कर सकते. ठीक है, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी. तो मैंने मेहनत करा, उस फ्रेंड ने मेहनत करा काफ़ी, हमने रात भर में उस यूट्यूब के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी. फिर अपना चैनल क्रिएट किया अपने नाम से, आयुष राठी नाम से. फिर हमने एडसेंस अकाउंट बनाया, सारी चीज़ें रात भर में की. ठीक है, अगर आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करोगे ना, तो 6-7 घंटे में आप सारी चीज़ें समझ जाओगे, कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ था, तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था. आप चाहो तो 1-2 घंटे में भी वो सारे काम निपटा सकते हो. ठीक है, तो फिर अब वीडियो के बारे में हमने कुछ नहीं सोचा था, हमने बस सोचा था कि हम बनाएंगे वीडियो. ठीक है, तो रात भर रुक के सुबह सुबह दोस्त तो अपने घर चला गया था. फिर वो दोपहर को आने वाला था वापस मेरे पास, उसे कुछ स्टडी रिलेटेड काम था. तो मैंने क्या किया, वो सुबह 10 बजे, मुझे आज भी याद है, मैं नहा धो के आया. नहा धो के आने के बाद में मैंने नॉर्मल सा घर लायक कपड़ा पहन रखा था, मैं ले रखा हूँ अपने साथ में, ये पहन रखा था मैंने उस टाइम पर. तो मुझे उतना उस टाइम सेंस तो था नहीं, एक्चुअली स्लीवलेस था, तो मुझे उतना सेंस तो था नहीं यार कि यार दुनिया देखती है, बहुत लोग देखेंगे मेरे वीडियो, बहुत लोगों तक रीच करेगी. अब जैसे आज क्या हुआ ना, मैं लैब से निकला तो मैं लैब यूनिफॉर्म पहन रखा था. तो एक बार के लिए तो मेरे मन में आया यार भाड़ में जाओ यार, किसको क्या मतलब है. मैं सोचा लैब यूनिफॉर्म में जाता हूँ, बना देता हूँ वीडियो फटाफट, क्योंकि लेट हो रहा था, 5:30 बज चुका है. पता नहीं ये लोग कब गेट वेट बंद कर दे, कभी ऐसा हो कि मैं यहाँ अंदर ही लॉक रह गया और गेट बंद हो गया, रात भर मुझे यहीं रहना पड़ जाए. तो मैं सोचा जल्दी जल्दी जाता हूँ लैब यूनिफॉर्म में. मैंने खाया पिया कुछ है नहीं, दोपहर को कुछ नहीं खाया, सुबह कुछ नहीं खाया, 2 रात से सोया नहीं हूँ ढंग से, मेरी आंखों में आप लोगों को दिख रहा होगा. ठीक है, तो सपने जगा कर रखते हैं, जो सपने होते हैं ना, जो गोल होता है लाइफ का, वो जगा कर रखते हैं आपको. अगर आप सोए पड़े हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो कुछ बड़े सपने बनाओ. जैसे मेरे कुछ सपने हैं जिसके वजह से मैं काम करता रहता हूँ, दिन भर काम करता रहता हूँ, रात भर सोता नहीं हूँ. ठीक है, रात भर करता रहता हूँ काम, स्टडी करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ. ऐसे कुछ करो अपने अंदर, कुछ लाओ अपने अंदर. ऐसे पागल की तरह आलस मत करते रहो, बैठे मत रहो. आपको अगर पैशन है, कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, स्टार्ट करो. आप ये सोचोगे कि मैं प्रोफेशनल बन जाऊँगा, सब सीख लूँगा, फिर स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं होता है.
आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा, करते 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 आप एक्सपीरियंस बनेगा और आप प्रोफेशनल बन जाओगे। ठीक, तो मैंने यही सोचा उस दिन। तो क्या है ना, मेरी मासी ने मुझे एक लैपटॉप दिया था यूज़ करने के लिए, तो मुझे पर मेरे पास मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन भी था नहीं, बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे। तो मैं सोचा यार लैपटॉप कैमरे से ही रिकॉर्ड करता हूँ मैं वीडियो। ठीक है, तो IIT JEE का एक क्वेश्चन था, मैंने ट्रिक से सॉल्व करा था, और 10 मिनट वीडियो बनाने के 10 मिनट पहले मैंने उस ट्रिक से सॉल्व करा था उस क्वेश्चन को, और इमीडिएटली मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसका ही वीडियो बनाता हूँ फर्स्ट। ठीक है, क्या होता है ना लाइफ में, आपको कोई भी एक कुछ चीज़ का धागा खुल जाए, मान लो अगर आपको कोई भी चीज़ क्रैक करने का तरीका मिल जाए, आपको कुछ आइडिया मिल जाए, जैसे अभी मुझे आइडिया मिला आधे घंटे पहले कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ कि लोग अपनी YouTube की काम स्टार्ट करें, तो मैं आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर आ गया और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बैठ गया। तो ये जो क्विक एक्शन होता है ना कोई भी काम करने का, जैसे उस दिन मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करा और मैंने 10 मिनट में सोचा कि अब यही वीडियो बनेगा फर्स्ट, मेरा फर्स्ट वीडियो मेरा जो YouTube का बनेगा वही बनेगा। तो ये जो क्विक एक्शन होता है ना, ये एक सक्सेसफुल लोगों की पहचान होती है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ का कुछ चीज़ करने का आइडिया मिल गया और अगर आप उसको टाल रहे हो कि मैं करूँगा करूँगा करूँगा, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया मिल रहा है कि आप अपना YouTube का काम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर आप लेट करने लगो ना कि कोई बात नहीं, मैं इस बंदे की बात तो सुन लिया या सुन ली, अब मैं करूँगा या करूँगी कुछ टाइम बाद, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो गए। इमीडिएट एक्शन, ठीक है, मोटिवेट हो मेरे इस वीडियो को देखकर, जाओ यूट्यूब चैनल बनाओ, स्टार्ट हो जाओ। ठीक, कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो। ठीक है, आपको जो हेजिटेशन होती है कि आपको दुनिया देखेगी वीडियो ख़राब हो गया तो, या मान लो आपको सिंगिंग का पैशन है, आपको डांसिंग का पैशन है, आपके गाने अच्छे नहीं हुए तो, आप ढिंचक पूजा बन गए तो, कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, जब भी मन करे वीडियो डिलीट कर देना, आपको लगे अच्छे रिव्यूज़ नहीं आ रहे वीडियो डिलीट कर देना, कोई नहीं पूछ रहा। किसी को मत बताओ, घर वाले को फैमिली वाले को बाद में बताना, फ्रेंड्स को बाद में बताना, पहले वीडियो चलने दो। ठीक है, जो भी आपका पैशन है उसको स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, इमीडिएट स्टार्ट करो। ठीक है, धीरे 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 आप ग्रो करोगे। ठीक है, अच्छा नहीं भी होगा तो क्या हुआ, आपका एक एक्सपीरियंस तो बनेगा, कम से कम खुशी तो होगी। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो फिर हमने क्या करा, सुबह सुबह मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करा, तो मैंने लैपटॉप कैमरा रखा, बड़ी सी टूल थी, टूल के ऊपर में मैंने लैपटॉप रखा, लैपटॉप कैमरा ऑन किया, शुरू हो गया। कमरे में कोई नहीं था, मैंने खुद ही इमेजिन किया कि लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, उस वीडियो को सुन रहे हैं, और मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स को। कैमरा ऑन करने के पहले ना फट गई थी मेरी, मतलब कि एक दो मिनट तक मैं सोचते रह गया था, ऑन करूँ नहीं करूँ, ऑन करूँ नहीं करूँ, करने के बाद क्या बोलूँगा। डैट वॉज द फर्स्ट डे जब मैंने इंग्लिश में 10 मिनट लेक्चर दिया था। ठीक है, 10 मिनट मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना, अचानक से एक अलग आयुष राठी स्टार्ट हो गया था, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, मैंने खुद ने नहीं देखा था। वीडियो कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने वो वीडियो कम से कम 100 बार देखा है कि यार ये मैं ही हूँ। ठीक, फिर वो दोस्त आया दोपहर को, उसको मैंने दिखाया, वो बोला यार क्या बवाल इंग्लिश बोला यार, ऐसा तो कभी नहीं बोलता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चल यार यही वीडियो को अपलोड करते हैं। फिर हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करे, अब वो वीडियो क्या है बहुत ज़्यादा MB का हो गया था, अब हम तो क्या है वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, उस टाइम इंटरनेट इतना था नहीं, जियो तो था नहीं उस टाइम पे, तो अब वीडियो अपलोड कैसे करे, इतना ज़्यादा फाइल हो गया है, पैसे भी नहीं थे। तो हम लोग है ना वो 16 rupees का रिचार्ज करते थे, 16 rupees का एयरसेल का इंटरनेट आता था कुछ 100 MB मिलता था, उसका रिचार्ज करा मैंने, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, सॉफ्टवेयर को यूज़ करा, कंप्रेस करा ताकि वीडियो अपलोड हो पाए। कंप्रेस करने के बाद में फिर उस टाइम इतनी नॉलेज थी नहीं कि कंप्रेस नहीं भी करने से हो जाता, बट इंटरनेट का इशू था कि उस वीडियो इतनी बड़ी फाइल को 500-600 MB की फाइल बन चुकी थी, वो उसको अपलोड कैसे करें, इतना नेट कहाँ है ना, वाईफाई कहाँ है, परेशान हो गए थे। ठीक है, ये सब इशूज़ आई थी उस टाइम पे। फिर उस दोस्त ने काफ़ी मेहनत करी, कंप्रेस करा वीडियो के स्टार्टिंग में, हमने कुछ एडिटिंग डाली, कुछ दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस के जो स्टार्टिंग के म्यूज़िक थे उसको हमने कॉपी करा, उस म्यूज़िक को हमने अपने वीडियो के साथ में लिंक करा, उसमें फिर हमने ऐड किया वेलकम टू राठी क्लासेस, वीडियो के एंड में हम लोग ने ऐड किया कि क्रेडिट्स टू टीम राठी क्लासेस। ठीक है, ज़्यादातर काम उस दोस्त ने किया था, उसकी क्रेडिट है, वो ये वीडियो देख रहा होगा ज़रूर कभी ना कभी, तो मैं उसको थैंक्स बोलना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो फिर उस वीडियो को हमने ज्वाइन करा, जैसे तैसे हमने एक अच्छा सा वीडियो अपलोड करा, उसके बाद में बस शुरू हो गए इधर उधर फैलाना शुरू, कॉपी पेस्ट, फेसबुक पे सबको दोस्त को भेजा, ये वो, सबसे रिव्यू मांगा कैसा लगा क्या हुआ। एंड एक और बात है, तो 2:30 बजे ना मुझे अपने ट्यूशन जाना था, फिटजी जाना था मुझे 2:30 बजे। तो अब क्या है ना,
जब हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे थे ना, उस टाइम पे नेट ख़त्म हो गई थी, ठीक है। मतलब मैं उस दोस्त को कहा कि तू अपलोड कर देना, मैं निकल रहा हूँ। तो वो बोला कि ठीक है, वो मेरे घर पे ही था, वो अपलोड कर रहा था, मैं फटाफट ट्यूशन के लिए निकल गया था, क्लासेस के लिए निकल गया था। तो क्या हुआ, उसने फिर रास्ते में कॉल करके मेरे को बताया कि यार इंटरनेट ख़त्म हो गया अपलोड होते होते। तो मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं यार, बाद में अपलोड कर देंगे, शाम को मैं घर आऊँगा तब अपलोड कर देंगे। तो लेकिन यार वो हार नहीं माना। उसने क्या किया, बुद्धि लगाई उस टाइम पर मेरे ही फ़ोन से, मतलब मेरे घर का जो फ़ोन था जो यूज़ करा था इंटरनेट के लिए उस टाइम पे ना वो आता था, डोंगल आता था, डोंगल में हम लोग सिम लगा के इंटरनेट चलाया करते थे, ठीक है। दो साल में इतना कुछ चेंज हो गया, आजकल तो यार सब जियो है, मोबाइल है, धनाधन बनाया, अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, धनाधन जाऊँगा, कॉलेज वाईफाई यूज़ करूँगा, धनाधन अपलोड कर लूँगा, तो सब चेंज हो गया। तो तब क्या है, फिर उसने क्या किया ना, उसी फ़ोन से लोन लिया, पहले तो एयरसेल से लोन लिया, जो लोन का ऑप्शन आता है, लोन लेके फिर उसने मोबाइल के थ्रू ही इंटरनेट का रिचार्ज करा, कुछ शायद 9 रुपये का उसने रिचार्ज करा था, जिसमें 50 MB कुछ मिले थे उसको, एंड फिर उसने वो बाकी का अपलोड कंप्लीट करा था। एंड फिर उसने मुझे मैसेज किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं क्लास में एंटर किया था, जस्ट 5 मिनट हुए थे, मैंने मोबाइल मैसेज दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर वीडियो हैज़ गॉन लाइव। तो यार मतलब मैंने वो वीडियो देखा नहीं था उस टाइम तक यूट्यूब पे, बट जो फीलिंग थी ना, मतलब मैं क्लास में देख रहा था, बाकी सारे बच्चों को देख रहा था, एंड मुझे एक फीलिंग आई, यार बंदा बड़ा हो गया, यूट्यूब पे वीडियो आ गई, अच्छा सा लगा, बहुत अच्छा सा लगा। आज तो लगता है यार क्या, कौन सी बड़ी बात है ना, आज सुबह उठता हूँ सो के तो यूट्यूब पे कमेंट देखता हूँ, कोई तारीफ़ कर रहा होता है, रात को सोता हूँ तो कोई तारीफ़ कर रहा होता है, स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं सर आपके जैसा बनना है, क्या करूँ बताइए, सर आपका आपके बातों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, बताइए क्या करें, कैसे करें, आपको फॉलो करेंगे। आज के डेट में कॉमन हो चुका है ये, इतने सारे प्रेजेस आ रहे हैं, और अभी तो जस्ट 500 सब्सक्राइबर्स आए हैं, लाखों तक पहुँचेंगे, करोड़ों तक पहुँचेंगे कभी ना कभी। तो मतलब इन सब की शुरुआत ना उस एक दिन से हुई थी, वो एक जोश कि करना है मुझे, स्टार्ट करना है, वो एक रिस्क ही था, वो सबके लिए रिस्क होता है। अगर आप भी आप स्टार्ट करोगे ना मेरे इस वीडियो से मोटिवेट होगे, तो आपके लिए एक रिस्क टाइप का होगा, चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 2 साल लग गया इसको 500 सब्सक्राइबर लाने में, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने क्या काम छोड़ दिया था, वो वीडियो बनाने का, एक दो वीडियो बनाया फिर छोड़ दिया था। फिर मैंने अपना JEE क्रैक होने के बाद अभी से डेढ़ महीने पहले मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, मेरे तब 60 सब्सक्राइबर्स थे, और आज वो 500 पहुंच गए, ठीक है, या पहुंचने वाले इस वीडियो के थ्रू, अभी 495 है, ठीक है। तो मतलब डेढ़ महीने में मैंने 500 सब्सक्राइबर्स अचीव किया एक एडुकेशनल चैनल के लिए, मेरे जैसे चैनल के लिए बहुत मुश्किल होता है काम करना, मैं मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंगिंग कर रहे हो, आप डांसिंग कर रहे हो, आप कॉमेडी कर रहे हो, आप रोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब चैनल के ना व्यूज़ बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोग आजकल वही सब देखते हैं, ये इंस्पिरेशन। मेरे भाषण अगर आप सुन रहे हो ना, तो मैं आपके लिए थोड़ी सी ताली बजाना चाहूँगा, क्योंकि आप उस भीड़ में से अलग हो, ठीक है। आप वो कॉमेडी वीडियोज़, वो म्यूज़िक वाले वीडियोज़ हर वक्त नहीं देख रहे यूट्यूब पर, ठीक है, वो भी देखना ज़रूरी है, मैं भी देखता हूँ कभी कभी, बट आप इंस्पिरेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो मेरे एडुकेशन चैनल से जुड़े हुए हुए हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आप मेरे रिलेटिव हो, या आप कोई अननोन इंसान हो जो मुझमें बिलीव करते हो, तो मैं आपके लिए बहुत बहुत आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, और आपकी बहुत बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को टाइम दिया, 2 मिनट भी सही आपने मेरे चैनल को टाइम दिया, ठीक है। काफ़ी बार मेरे मन में आया था, मेरे कुछ दोस्त कहते हैं यार तेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटेड है, तू उनको अच्छे कंटेंट दे, तू कुछ अच्छे कंटेंट दे, तेरे एडुकेशनल चैनल कौन देख रहा है, ठीक है, कौन ये JEE की बातें सुनने को लगा है, ठीक है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, मैं एक कान से सुनता हूँ एक कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर 500 सब्सक्राइबर भी है मेरे, तो मुझे पता है उसमें से 200 लोग भी मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे, तो वो 200 आगे जाके बहुत आगे जाएंगे। और अगर ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स 500 पहुँचे हैं, 500 लोगों तक मेरे ये चैनल पहुँची है, तो आगे जाके लाखों तक भी पहुँचेगी, नहीं इसकी क्या गारंटी है, पहुँचा के रहूँगा मैं, ठीक है। कुछ टाइम के अंदर अंदर, कुछ महीने के अंदर अंदर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे इस चैनल पर, ठीक है ना। तो अगर एक एडुकेशनल चैनल वाला बंदा ये बात कह सकता है, तो एंटरटेनमेंट चैनल वाला बंदा, अगर आप में कुछ एंटरटेनमेंट वाली कला है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, कुछ और कला है आप में, कुछ भी, आप कुछ भी भाषण दे सकते हो, मान लो, है ना, मान लो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप प्रोडक्ट्स का रिव्यू दे सकते हो, ये वाला फ़ोन का इसका ये फीचर्स है, ये रिव्यू है, आप उस पर वीडियो बना सकते हो, कोई कॉमन टॉपिक्स चल रहा है उस पर आप डिबेट कर सकते हो, कुछ भी चीज़, कुछ भी, आप गाना गा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, ठीक है, आप वीडियो बना सकते हो, ठीक, आप कॉमेडी कर सकते हो, जैसे BBK वाइंस हो गए, कैरी मेनाटी हो गए, है ना, आप कुछ अच्छा बोल सकते हो, इंस्पिरेशनल कुछ बोल सकते हो, मेरे जैसा कुछ बोल सकते हो, कुछ भी चीज़ का आप ज्ञान दे सकते हो,
उसी चीज़ का जिसका आपको एक्सपीरियंस है। आज मैं ये वीडियो अब जाके बना रहा हूँ क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए है ना। आज मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हूँ इस बात को बताने के लिए कि एडुकेशनल चैनल या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं। मैं मानता हूँ आज मैं एलिजिबल हुआ हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिस भी चीज़ का आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आप ना लोगों को मिसगाइड कभी मत करना अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। जिस भी चीज़ का आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप सही ज्ञान दे सकते हो आपके हिसाब से, उस पर अपना चैनल स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। ठीक है, कभी अगर लगे कि नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो डिलीट कर देना वीडियो। कितना टाइम लगता है डिलीट करने में, स्टार्ट तो करो, आगे तो बढ़ो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे इस वीडियो से मोटिवेट हो, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, वीडियो अपलोड करें और मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपने ये काम किया है, मेरे वीडियो से मोटिवेट होकर किया है। मैं जाकर देखूंगा आपके चैनल में वीडियो कि आपने क्या डाला है, कैसे स्टार्ट करी है। ठीक है, सही है, कनेक्टेड रहो मेरे से हमेशा, ज़िंदगी भर कनेक्टेड रहो। ठीक है, अब वो फीलिंग बड़ी अच्छी थी जब मैंने यूट्यूब का वीडियो अपलोड करा। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक्साइटमेंट में ना यूट्यूब में घर आके शाम को अपने वीडियो बार बार देख रहा था तो मैंने यूट्यूब गूगल में सर्च करा कि अपनी वीडियो अगर बार बार देखते हैं तो काउंट एक बार आता है या बार बार आता है। तो गूगल ने ये बताया कि नहीं, काउंट एक ही बार आएगा आपका वीडियो और बार बार आपका काउंट नहीं आएगा। तो हो क्या रहा था, मैंने कहा फाइन। एक्चुअली क्या होता है ना, एक ही इंसान अगर बार बार देखता है ना तो यूट्यूब बैन कर देता है वो वीडियो या फिर वो काउंट्स को हटा देता है। तो मुझे इतनी नॉलेज उस टाइम पे थी नहीं, मैं बार बार अपनी वीडियो देखे जा रहा था और मैं देख रहा था कि यार, फिर मैं एनालिटिक्स चैनल के एनालिटिक्स में गया, वीडियो के एनालिटिक्स में गया, मैं देख रहा था कि वीडियो के व्यूज़ बड़े अच्छे से बड़े फास्ट बढ़ रहे हैं, है ना, एक दो घंटे में 100-150 व्यूज़ हो गए थे। तो मैं बड़ा खुश सा हो गया था कि यार लोगों को पसंद आ रहा है, धीरे धीरे 1,000-2,000 लाख व्यूज़ जाने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ, जैसे 300 व्यूज़ पहुँचे, 300 के बाद में व्यूज़ अटक गए। तो मैंने फिर गूगल में सर्च किया कि व्यूज़ अटकने का क्या कारण है। तब मुझे पता चला कि जो एक्स्ट्रा व्यूज़ आ रहे थे वो मेरे खुद के देखने की वजह से ही थे और यूट्यूब क्या है उसको स्टॉप कर रखा था, उसको व्यू काउंट को बढ़ने नहीं दे रहा था। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और जितने भी एक्स्ट्रा व्यूज़ आए थे वो मेरे खुद के वजह से थे, उसको यूट्यूब ने हटा दिया था। तो फिर वो व्यूज़ वापस से कम हो गए थे और फिर स्लो ग्रोथ होने लग गया था। तो फिर मुझे समझ में आया, मैंने अपना एक्साइटमेंट को कम किया। अब ये काम मैंने शुरू किया था बट मेरा मोटो उतना बड़ा नहीं था, तो मैंने क्या उसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। मैं एक दो वीडियो बना के स्टॉप हो गया था। रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए थे, मेरे दोस्तों ने प्रेजेस दिए, अननोन लोगों ने प्रेजेस दिए, कमेंट्स बहुत अच्छे आए थे, बट मैंने उसको स्टॉप कर दिया है ना, क्योंकि उस टाइम वो एक अंदर से नहीं था कि मुझे इस काम को आगे लेके जाना है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, मेरा वो चैनल एक बार के लिए फेल हो गया था, मतलब यही चैनल था फेल हो गया था एक बार के लिए। 1.5 साल के लिए सब्सक्राइबर नहीं आए, 50-60 सब्सक्राइबर आए। फिर आज से 1.5 महीने पहले मैंने सोचा कि यार अब इसको ग्रो करना है। अब मुझे मतलब एक्चुअली उस टाइम मैं थोड़ा बच्चा टाइप का था, आप देखोगे ना मेरे वो वाली वीडियो तो आपको दिखेगा कि यार बचपना था इसमें। तो मतलब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं बचपना था उस टाइम पर, बट जब मैं इमेजिन करता हूँ ना अपने आप को उस टाइम पर, तो मैं सोचता हूँ मैं और लोगों से बहुत ज़्यादा मैच्योर था। आज भी अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज से 2 साल बाद मैं अपनी खुद की ये वाली वीडियो देखूंगा ना, तो मेरे अंदर इतना चेंजेस आ चुका होगा, मैं सोचूंगा यार बचपना था ये क्या कैसा वीडियो बनाया था 2 साल पहले मैंने। बट आज अगर मैं देखता हूँ ना अपने आप को, मैं काफ़ी लोगों से ज़्यादा मैच्योर हूँ अपने आसपास, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और ये शायद आपको मेरी बातें सुनकर लगता होगा। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग लाइफ का जो सबसे मेन पर्पस है मेरे लिए, वो है ग्रो करना। ठीक है, आज से 2 साल पहले मैं जैसा था, आज से 2 महीने पहले मैं जैसा था, मैं जैसा दिखता था, मेरा जैसा स्पीकिंग स्किल्स था, मेरा जैसा एटीट्यूड था, मेरा जो नेचर था, मेरा जो कैरेक्टर था, हर चीज़ में मुझे एक इम्प्रूवमेंट लाना है। हर रोज़ मैं उस पर काम करता हूँ, है ना। तो अगर आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करते हो, कितनी भी गंदी लेवल से आप स्टार्ट करो, कितनी भी गंदी वीडियो आप फर्स्ट लेवल में बनाओ, घटिया क्वालिटी के बनाओ, उससे ग्रो करना आपको आना चाहिए, तो आप एक सक्सेसफुल चैनल बनोगे। आपकी फर्स्ट वीडियो में 1,000 व्यू आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। कैरी मिनाटी भी जो था ना, उसके भी फर्स्ट मंथ में सिर्फ 10 सब्सक्राइबर आए थे, सिर्फ 10। आयुष राठी आपके सामने है, 2 साल में, 1.5 से 2 साल में सिर्फ 60 सब्सक्राइबर्स आए थे, सिर्फ 60। ठीक है, और आज देखो पिछले 1.5 महीने में 500 सब्सक्राइबर। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर हुआ, धीरे धीरे मैंने अपनी वीडियो की क्वालिटीज़ पे काम किया, एडिटिंग्स पे काम किया। आज वो दोस्त मेरे साथ नहीं है और मैं ही उससे बात नहीं कर रहा हूँ। उसने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज करके मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया था मेरे इस काम को लेके, कि मैंने इसको आगे बढ़ाया। और उसने कहा कि तुम्हारी एडिटिंग स्किल्स, उस टाइम पर सारी एडिटिंग वही करता था, तो उसने मेरी एडिटिंग देखकर उसने फिर मुझे मैसेज किया कि यार तेरी एडिटिंग स्किल्स थोड़ी अच्छी लेवल पे पहुंच गई है ना। तो मैं खुद ग्रो करा, आज भी मैं सीखता रहता हूँ,
रात रात भर बैठा रहता हूँ, यूट्यूब के बारे में सीखता रहता हूँ और चीज़ें सीखता रहता हूँ। धीरे धीरे अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब आप धीरे 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 देखोगे ना मेरे वीडियोज़ में कितने सारे एडिटिंग्स आएंगे, कितने सारे चीज़ें आएंगे, क्वालिटीज़ कितना इंप्रूव होंगी, ठीक है। धीरे धीरे कैमरा क्वालिटी इंप्रूव करूँगा, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाऊँगा और बढ़ाऊँगा, और अच्छा मोटिवेट करूँगा और अच्छा इंस्पिरेशन दूंगा आपको। तो धीरे 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 काम बढ़ता है आगे। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सीख जाओगे, आप सोचते हो कि वो दिन आएगा आज से 10 साल बाद मैं 30 साल का होऊंगा, मैं सब कुछ सीख जाऊंगा और तब मैं ज्ञान बांटूंगा, ऐसा नहीं है। आप आधी चीज़ें भूल ही जाओगे जो आपने सीखा है, ठीक है। जैसे आज मैं ये जो बोल रहा हूँ, जिस फील के साथ बोल रहा हूँ, जो मैंने अपना यूट्यूब का काम स्टार्ट किया था वो दिन, उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ, जो मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, यही काम अगर मैं 1,00,000 सब्सक्राइबर होने के बाद करता ना तो आपको फील ही नहीं आता। आप ये सोचते कि यार ये जो इंसान है ये यार बहुत बड़ा लेवल का है, अपन इस लेवल के नहीं है। इसके आगे इसका इतना अच्छा ग्रो कर गया यूट्यूब चैनल, अपना ग्रो नहीं करेगा यार। सब्सक्राइबर तो देखो 1,00,000 सब्सक्राइबर, पाप रे पाप। मैं तो यार इतना गंदा गाता हूँ यार, तो मैं इतना गंदा काम करता हूँ, मैं इतना गंदा पढ़ाता हूँ, इसका क्या क्या पढ़ाता है, गजब का पढ़ाता है, तब जाके इसके 1,00,000 सब्सक्राइबर आए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आज ये वीडियो के थ्रू आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल में फील हो कि आई एम ग्रोइंग। मेरा भी ये चैनल नया है, आई एम ग्रोइंग धीरे 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 धीरे, एंड यू कैन स्टार्ट विथ मी, यू कैन स्टार्ट सून विथ मी। आपको एक्चुअल में फील हो कि देखो ये बंदा ग्रो कर रहा है तो मैं भी ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पूरा ग्रो कर जाता उसके बाद आपको मोटिवेट करता अपना पहला वीडियो अपलोड करने के लिए, तो आपको लगता कि नहीं यार कुछ अलग लगता, आपको लगता कि ये एलियन है, ये कुछ और ही है, ये अपन से नहीं होगा। मैं आज आपको ये बात बोल रहा हूँ ताकि आपको ये फील हो कि मैं एलियन नहीं हूँ, आपके जैसा ही अभी स्टार्ट किया हूँ, मैं भी कुछ टाइम ही हुआ है मुझे स्टार्ट करते हुए, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने हमेशा फॉलो किया, मैंने सब्सक्राइबर्स मांगे नहीं कभी भी, बहुत कम बार मैंने मजाक मजाक में बोला यार सब्सक्राइब कर दो, लेकिन मैंने कभी भी सब्सक्राइबर मांगे नहीं। यूट्यूबर्स क्या होते हैं ना, अपने वीडियो में चीख चीख कर बोलते हैं सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, लाइक द वीडियो। मैंने कभी भी लाइक करने को किसी को नहीं बोला, कभी भी सब्सक्राइब करने को किसी को नहीं बोला, ठीक है। एक दो बार शायद मजाक मजाक में बोल दिया होगा, या कुछ खास इंसान होंगे जिन्हें मैं चाहता हूँगा कि वो मेरे वीडियोज़ देखें, उनको बोला होगा, बाकी ऐसे कभी नहीं बोला। अपने काम पर फोकस किया, ठीक है। कल जाकर मैंने वो सब्सक्राइब का जो लोगो आता है, जो इस वीडियो के आपको साइड में दिख रहा है, ठीक है, वो मैंने कल जाके उसको, उस फीचर को ऐड किया है। मैंने एक महीने तक ऐड ही नहीं किया उस फीचर को, मैंने सोचा देखता हूँ बिना उस फीचर के कितने लोग खुद से सब्सक्राइब करते हैं। अब जाके मैंने उस फीचर को ऐड किया है, ठीक है, जो आपको दिखेगा मेरे स्क्रीन पर, है ना। तो आप उस पर जाके, अगर आप मेरा जो AR वाला साइन आपको दिखेगा वहाँ पर अगर आप जाके क्लिक करोगे, है ना, या कर्सर को लेकर जाओगे तो आपको दिखेगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, और वहाँ पे दिखेगा कितने सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। आपको भी बोलेगा वो सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाएगा, वो रेड बटन पे आप क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। एक महीने बाद मैंने जाके, मैं चाहता तो पहले भी कर सकता था, बट मैं देखना चाहता था कि मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है कि बिना सब्सक्राइब मांगे, बिना वो ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाए कितने लोग सब्सक्राइब करते, ठीक है। कल जाके मैं समझ गया, मैं रियलाइज़ हो गया कि हाँ मेरे चैनल में बहुत अच्छा कंटेंट है, मेरे बातों में दम है, लोग खुद से इंटरेस्ट ले रहे हैं। तब जाके मैंने सोचा कि चलो अब आलसी लोगों के लिए उस फीचर को स्क्रीन पर ही ला देते हैं, क्या लोग बहुत लोग क्या आलस कर देते हैं, जाते नहीं है, है ना, वीडियो बैक करना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, फिर सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, लाल बटन दिखता है, तो वीडियो में अगर वो सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख जाता है ना, तो वो वीडियो देखते देखते उसको सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि यार मैं ये सब बातें बोल कर ना एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ अपने चैनल की, आपको इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं मांगने में कभी बिलीव नहीं करता हूँ, भगवान ने ऐसे ही बहुत कुछ दिया है और जो लेना था वो ले भी लिया, ठीक है। तो मोटिवेट हो जाओ, अपलोड करो अपना वीडियो, स्टार्ट करो, है ना, बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ पढ़ाना है, आपको पढ़ाने का मन है, तो नॉर्मल सा कॉपी में अगर आप कुछ पढ़ाओगे ना, थोड़ा सा कैमरा सेटअप रख दोगे ऊपर में और आप कॉपी में पढ़ाओगे, उसका वीडियो बनाओगे, 5 मिनट का वीडियो, कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे, मान लो कोई भी IIT JEE का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके डालोगे, है ना, या आपको कोई बुक अच्छा लगता है, मान लो उसका आप रिव्यू देना चाहते हो, ना, कोई भी बुक हो, कैसा भी हो, या कोई भी हॉट टॉपिक हो, जैसे IIT JEE का भी एक नया टॉपिक चल रहा है कि ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया है, JEE एडवांस अब ऑनलाइन होगा, उस पर अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ सजेस्ट करना है, है ना, पहले उस पर रिसर्च कर लेना, ये नहीं कि कुछ आता नहीं है और ऐसे ज्ञान देने लगे, है ना, तो उस पर पहले रिसर्च कर लेना। कुछ भी चीज़ आपको आता है, आपको डांसिंग आता हो, है ना, कैमरा को सामने रख दिया, म्यूज़िक ऑन कर लिया, थोड़ा सा डांस स्टेप कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, कैमरा बंद कर दिया, थोड़ी सी एडिटिंग कर ली, वीडियो एडिटर डाउनलोड कर लिया, वीडियो एडिटर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, डाउनलोड कर दिया, आगे का पीछे का कट कर दिया, है ना, और जो मेन पार्ट था आपका डांस का, उसकी वीडियो आपने अपलोड कर दी। JIO है आपके पास, 1 GB रोज़ आपको मिलता है, सोचो आप कितनी वीडियो अपलोड कर सकते हो, है ना।
और रहा बात जो कंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर, वो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो फाइल है वो 700 MB का हो गया, तो आप सोचोगे कि 700 MB यूट्यूब में 700 MB का वीडियो कोई डाउनलोड ही नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आप उस 700 MB को अपलोड कर दो, अपलोड करने में बस एक बार टाइम लगेगा, फिर यूट्यूब उसको प्रोसेसिंग करता है, वो प्रोसेसिंग करके जो आपकी 700 MB की वीडियो है ना, वो यूट्यूब डाउन ला के उसको 100 MB 150 MB में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो एक अफोर्डेबल साइज़ में यूट्यूब कन्वर्ट करके देता है आपको, ठीक है। तो आपके इतनी सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर की झमेला नहीं है, धीरे 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 आप सीखोगे कैसे कैसे एडिटिंग करते हैं, बट यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट। अगर आपको सिंगिंग का पैशन है तो आप मोबाइल सामने रख दो, जैसे मैं अभी रखा हूँ, कोई भी गाना गा दो, है ना, अपलोड कर दो, राइट। अब आपको लगता है कि यार आपका चेहरा सामने आ जाएगा, तो कोई बात नहीं यार, थोड़ी सी एडिटिंग सीख लो, स्क्रीन पर कुछ और दिखा दो, वॉइस अपना दिखा दो, कुछ भी कर लो आप, है ना। और ट्राई करना कंटेंट अपना रखने का, ये नहीं कि कुछ कॉपी कर लिया, किसी और का म्यूज़िक कॉपी कर लिया उसको डाल दिया। अगर आप कॉपी करोगे ना तो बहुत जल्दी आपका चैनल बैन हो जाता है, तो कंटेंट अपना खुद का रखना। जैसे डिंचक पूजा करती है ना, सेल्फी मैंने ले ली आज, तो ये गाना यूनिक है, ये उसका खुद का है, तो उस पर कोई कॉपीराइट नहीं मार सकता, कोई भी म्यूज़िक कंपनी या डायरेक्टर या कोई भी सिंगर उस पर नहीं बोल सकता, उस वीडियो को बैन नहीं करा सकता, ठीक है, आपके चैनल में स्ट्राइक नहीं आ सकती, क्योंकि वो कंटेंट उसका खुद का है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि यार ढिंचक पूजा का तो चैनल ही उड़ा दिया गया था, तो वो सब अलग इशू है, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ ना, बट कंटेंट खुद का रखना। ज़्यादातर चीज़ें आप कॉपी मत करना कभी भी, कोई भी आपने पैशन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आप शो करो दुनिया के सामने, मैं आपके साथ हूँ, दुनिया भी आपके साथ होगी ज़रूर कभी ना कभी, ठीक है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ग्रो नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, हमेशा ग्रो करते रहना, ठीक है। अपना वीडियो स्टार्ट करो, अपलोड करो, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट चाहिए, जिन जिन लोगों ने इस बात से मोटिवेट होकर अपना काम स्टार्ट किया है, मुझे कमेंट चाहिए इस वीडियो के नीचे, मैं जाऊंगा उनके चैनल में, उनकी वीडियो देखूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर से मिलेंगे नई बातों के साथ, थैंक यू।